अरे जो इनको देखिए जिताने का वेदी राम जी देखिए को। बहुत बड़ी चीज़, आज गांव का किसान है, मजदूर है, जो काम लोग करते थे, कोई मिस्त्री था, राज मिस्त्री था, कोई सड़क पर काम कर रहा था, सबके रोजगार खत्म हो गए, किसी के पास रोजगार नहीं रह गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मजदूरों को, कामगारों को, जो बढ़ई है, जो नाई हैं, चाहे जो कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, जो काम करते हैं, इन सब लोगों को मैं 18,000 सालीना पेंशन देने का काम करूंगा। जो 60 बरस के ऊपर के किसान हैं, उनकी ज़मीन कितनों हो, मैं उसको 18,000 रुपया पेंशन दूंगा। हर परिवार की जो महिलाएं, वो किसी जात धर्म की हैं, जो लोग भी BPL कार्ड धारक हैं, सब महिलाओं को 18,000 रुपया सलीना 1500 रुपया महीना देने का काम करूंगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि इन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाई है लखनऊ में, कह रहे हैं कोई नहीं, 1090 माननीय अखिलेश यादव जी ने लाया था। NCRB की रिपोर्ट है कि हर 2 घंटे पर महिलाओं से रेप होता है, हर 90 मिनट पर बच्चियों से रेप होता है। उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में, हत्या के मामले में प्रथम स्थान पर है, अपहरण के मामले में प्रथम। ये सरकार की NCRB की रिपोर्ट है, जो हमारी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है। स्वास्थ्य में ये फिसड्डी है, शिक्षा में फिसड्डी है, ये कोई काम नहीं कर पाए। बड़े काम ये हैं कि ये जो मजदूर हैं, अगर इनका कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, काम कर रहे हैं उसी में दब गए, मर गए, तो इनको 10 लाख रुपया बीमा का घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा किया है, किसानों के लिए भी किया। उन्होंने कहा है कि किसानों को पानी चलाने के लिए जितनी बिजली की ज़रूरत होगी उसकी कोई बिल नहीं लगेगी, फ्री बिजली। इनको जो मजदूर शहरों में काम करने जाते हैं, 10 रुपया में इनको भर पेट भोजन। ये जो सरसों का तेल 200 रुपया किलो हो गया है, इन्होंने कहा कि हम समाजवादी कैंटीन खोलेंगे। इन्होंने पेट्रोल का दाम कम किया है, ये पेट्रोल का दाम में ये कुछ नहीं, 100 रुपया था पहले, तो 68 रुपया था, ये 100 रुपया कर दिए, उसी में 110 करते हैं, 100 रुपया करते हैं, इतना कभी पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा था। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, हम लोग चाहते हैं कि गाँव का गरीब किसी जात धर्म मजहब का उसे लाभ मिल सके, वो इन योजनाओं का लाभ उठावे। और ये किसानों को उन्होंने कहा बहुत बड़ा काम, सब लोग हैं यहाँ किसान, गांव परिवार से हैं, जो KYC बनती है, जो ऋण लिया जाता है, कोई भी काम करने के लिए ऋण लेता है, उन्होंने कहा कि इसका ब्याज नहीं लगा, ये ब्याज मुक्त ऋण जो है दूंगा, और 4 साल में किसानों को मैं कर्ज मुक्त कर दूंगा। चलिए, जो शिक्षा पे 18% GST लगाया गया है, जो शिक्षा पे 18% GST लगाया गया है, क्या हमारा देश इतना आगे बढ़ गया कि अमेरिका से, रूस से, जापान में भी, वहाँ पर भी 18% GST नहीं है, तो हमारा हमारे देश में जो है कि 18% GST है, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी अगर आते हैं तो GST पे जो है कि कम होगा या नहीं होगा शिक्षा पे? भारतीय जनता पार्टी ये छात्र विरोधी है, गांव गरीब किसान विरोधी है, ये नहीं चाहती कि इस देश के लोग शिक्षित हों और रोजगार पाएं। यहाँ इन्होंने भर्तियाँ नहीं की, IIT जैसे संस्थान में 25% टीचरों की जगह खाली है, उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थानों में बहुत जगह खाली है टीचरों की, ये भर्ती नहीं निकाले, ये थोड़ी थोड़ी भर्ती निकाल कर ये काम करते रहे। और ये GST क्या इनकी सरकार में एजुकेशन लोन कोई लेना चाहता था तो ये बैंक वाले एजुकेशन लोन देने के लिए तैयार नहीं थे, ये ऐसी सरकार है। और इनके उद्योगपति अभी 23,000 करोड़ लेके SBI का भग गया बाहर, और इसके पहले भी इनके कई गुजरात के उद्योगपति 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, नीरव मोदी हो, चाहे चौकसी हो, चाहे माल्या हो, तमाम लोग पैसा लेकर भग गए और ये सरकार उनको ताकत देती रही। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि शिक्षा के लिए जितने संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, हम समाजवादी मॉडल स्कूल हर जिले में खोलने का काम करेंगे, हम लड़कियों को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं, जहाँ उसमें 18% GST कम होगी या नहीं होगी, ये GST का काम उनका है, लेकिन किसी तरह का टैक्स छात्रों पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं होगा, और केंद्र सरकार के जो भी उस पर टैक्स होंगे उसको ये समाप्त करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलने नहीं देंगे। कि जो अभी 2011 से वैकेंसी, यानी BEd की जो 2011 से वैकेंसी आज तक फंसी है, और लड़कों की मैं दुखड़ा बता दूं आपको कि हर जिलों में जैसे कि 500 रुपये लगता था जो है कि हर जगह जो है कि काउंसलिंग करवाने के लिए, और कई 75 जिले हैं, कई जिलों में जो है कि लोग 35 जिलों में या जो है कि 50 जिलों में जो है कि करवा कर, और समझिए कि हर एक जिलों का
500 रुपया था काउंसलिंग करवाने का, और कोई 35 जिलों में करवाया है, कोई 50 जिलों में करवाया, और 2011 की वैकेंसी आज तक फंसी हुई है और उसकी क्लियर नहीं हो पाई। क्या उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव जी आते हैं तो उस पर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, बहाली करेंगे कि नहीं? ये बी एड टेट का मामला जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संवेदना व्यक्त किया है, और जो वचन पत्र है उसके उनके इस वचन पत्र में इसको शामिल कर लिए हैं कि जो ये भर्ती टेट बी एड टेट की है ये हम आएंगे तो इसको भी इसका हल निकालेंगे, इनके साथ न्याय होगा, इनको नियुक्ति मिलेगी, और जो 68,500 या चाहे 69,000 में जो आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ हुआ है, जिन लड़कों का जो है जिनके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए भी जो है उसमें हम उनको संशोधन करके उनको अन्याय देने का काम करेंगे। इसलिए एजेंडा में है ये, तो 100% सरकार बनते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही, क्योंकि इन लड़कों के साथ नहीं, उसमें 12,500 वाले लड़के भी हैं जिसमें से 4,000 लड़के नियुक्ति पार गए, अभी 8,500 लड़के सड़कों पर भटक रहे हैं जिनको जिला आवंटन हो गया है, उनके उनको जिला अलाट हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक को लड़े हैं, आर्डर आ गया, तब भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनको नियुक्ति नहीं दी। इन सब नौजवानों के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने एजेंडे में शामिल किया, इनकी समस्याओं का वो समाधान। 22 लाख जो है कि रोजगार देने के लिए बोले हैं वो पूरा हो जाएगा कि नहीं? 22 लाख आईटी के क्षेत्र में कहे हैं, 11.5 लाख सरकारी नौकरियां 11 लाख खाली हैं उत्तर प्रदेश में, उसको भरने के लिए कहे हैं, और 5 साल के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने वचन पत्र में 1 करोड़ नौजवानों को उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के लिए अपनी बातों को कहा है, इन घोषणाओं को किया है, ये वादा उन्होंने किया है, इसलिए नौजवान आज सड़कों पर झूम रहा है कि हमारी ये सरकार आ जाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको रोजगार भी मिल जाएगा, शिक्षा मित्र भी खुश हैं, विद्विहीन विद्यालय वाले भी खुश हैं कि 5,000 रुपया हमको प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। एक चीज़ जो है कि विद्विहीन आपकी बात किए हैं, तो जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ाते थे उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला था कि जो है कि 3-4 हज़ार रुपये देने का वादा किया था, लेकिन वो टीचर बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग जो है कि एक बार हमने पूछा था तो आप लोग कह रहे हैं कि आप ही पूछ रहे हैं, वो टीचर बता रहे हैं कि 4,000 देने का काम किया बोले थे, लेकिन हमको 800 ही रुपया मिला था उस बार। देखिए वो वचन पत्र में उनको था, उनको एक पैसा नहीं मिलता था, और पिछले चुनाव में ये घोषणा उन्होंने किया था, अपने घोषणा पत्र में इस बात को लिया था कि हम वित्तविहीनों को मान दे देंगे, और 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से उन्होंने दिया, लेकिन योगी सरकार जो आई पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, वो 1,000 रुपया भी समाप्त कर दी, ये लोग लड़ते रह गए, 1,000 रुपया बढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, जो 1,000 मिल रहा था उसे भी समाप्त कर दी, लेकिन इस बार वचन पत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है आप सरकार बनवाओ, हम 5,000 रुपया प्रति माह आपको मान दे देने, आपको प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। चलिए भैया, जो है कि आप खुशी की लहर जो है कि दौड़ चुकी है, और बीएड वालों की और जो विद्विहीन लोग थे यानी कि प्राइवेट स्कूलों में जो है कि कार्य कर रहे थे पढ़ाने का, उनको भी सम्मान करने का जो है कि अखिलेश यादव जी ने सोचा है, जो नेताजी के माध्यम से हमें पता चला। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें बताएँ, और उसको हम पूछने का काम करेंगे, आप किसी का क्वेश्चन हो किसी से पूछने का तो हम पूछने का काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।